नमस्कार, आज हम आए हैं मोतिहारी के रानी हॉस्पिटल में प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपम कुमारी के पास। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि प्रदूषण का गर्भवती महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। प्रदूषण का तो ओवरऑल इफेक्ट समाज में सारे हर जीव जंतु पे, लिविंग और इवन नॉन लिविंग पर भी बहुत बुरा असर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि आजकल मोतिहारी का नाम भी उस लिस्ट में ऊपर की तरफ आ गया है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली महिलाओं पे प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में। तो महिलाओं के ओवरऑल स्वास्थ्य पे उनके श्वसन संबंधी समस्या हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो या इनफर्टिलिटी की समस्या हो, ये सारी समस्याएं तो एग्रीवेट करता है पोल्यूशन। और जहां तक हम उनके गायनेकोलॉजिकल हेल्थ स्टेटस के बारे में बात करें, उनके ऑप्स स्टेटस के बारे में बात करें, तो प्रदूषण ज़्यादा प्रदूषण के एक्सपोजर से महिलाएँ अगर शुरुआत में गर्भवती, मतलब अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर या कंसेप्शन के पहले अगर ज़्यादा पोल्यूटेंट के एक्सपोजर में आती हैं, तो उनमें अबॉर्शन की समस्या का काफ़ी रिस्क होता है। देखा जाए तो सिर्फ भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहाँ पे लिविंग स्टेटस काफ़ी पुअर है लोगों का, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पे 29% केसेस ऑफ अबॉर्शन जो होता है उसका कनेक्शन पॉल्यूशन से देखा गया है। हाँ, इसके अलावा ज़्यादा अगर पॉल्यूटेंट का एक्सपोजर होता है तो आगे चल के बच्चों में प्री मैच्योर डिलीवरी की, लो बर्थ वेट की समस्या होती है, इवन स्टील बर्थ के केसेस भी देखे गए हैं इसमें। और अगर पार्टिकुलेट मैटर या ओजोन वगैरह जो कि, या नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड जो एयर पॉल्यूटेंट हैं, उनके एक्सपोजर से प्रीटर्म बर्थ का रिस्क 11.5% केसेस में मिलता है। इसके साथ में अगर माँ को पहले से अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जैसे ब्लड प्रेशर है, आस्मा है या कोई और तरह की समस्या है, तो इसमें प्रीटर्म बर्थ का रिस्क 52% तक पहुँच जाता है। तो चूंकि महिलाएं हमारे समाज में पहले ही से अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी उपेक्षा करती हैं, वो परिवार में सबका, हाँ परिवार में सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके अपने स्वास्थ्य के प्रति उनकी अवेयरनेस उतनी नहीं रहती है, तो जिसके कारण कि ये जो तबका है वो प्रदूषण से और ज़्यादा अफेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं। गर्भवती महिला, क्योंकि उनके साथ एक साथ दो जीवन का कनेक्शन रहता है, माँ बच्चा दोनों, और हेल्थ स्टेटस पहले से उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, तो उनमें पॉल्यूशन का और भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। क्या करनी चाहिए, उन्होंने क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो अपना स्वास्थ्य स्टेटस में सुधार करना होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में सब जगह पोल्यूशन है, तो उसको लेके अपने पर्टिकुलर पर्सनल लेवल पे जो कर सकते हैं कि अपना इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, खान पान पर ध्यान दें, हरी साग सब्जी जो भी या खान पान पर ध्यान दें, रेगुलर अपना जो डॉक्टर के चेकअप में जाएं, रेगुलर बर्थ का बच्चे का स्कैनिंग कराते रहें, पॉल्यूटेड चीज़ उस सब का कंजम्पशन से या उसके एक्सपोजर से दूर तो रखने की कोशिश करें। तो ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पॉल्यूशन का प्रीमेच्योर बर्थ या मिसकैरेज जैसी घटनाओं से सीधा संबंध है। जरूर सीधा संबंध है इनका। अभी मैंने जैसे बताया कि प्री टर्म बर्थ का रिस्क अगर पोल्यूशन से ज़्यादा एक्सपोजर रहता है तो 11.5% केसेस में प्री टर्म बर्थ के चांसेस रहते हैं, 14.5% केसेस में स्टील बर्थ का रिस्क रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में ही 35% केसेस में बच्चे में बनावटी गड़बड़ी, जिसको कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस कहते हैं, वो रिस्क देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा भी बाद में आगे चल के बच्चों को, जैसे जिनका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ गर्भावस्था में, आगे चल के ऐसे बच्चों में अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर रहता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का रिस्क रहता है, ओवरऑल कॉग्निटिव उनका या ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है, ये सब को लेकर। मतलब इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका कोई पर्सनल, मतलब जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या है यहाँ का मोतिहारी के स्पेसिफिक केस में इस मैटर में? पोल्यूशन अभी तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल उपेक्षित स्टेटस में रहते थे, गर्भवती महिलाएं हैं। हाँ, इसमें तो आजकल आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस अभी तो वही थोड़ा मिसकैरेजेस के केसेस थोड़ा मिल रहे हैं, ठीक है। अभी 5 मंथ 6 मंथ सेवन एट मंथ की भी प्रेगनेंसी वाली महिलाएं आ रही हैं उनमें, और चेकअप के दौरान पता चल रहा है उनका बच्चा उनके पेट में वो खराब हो रखा है, अबॉर्शन हो गया, स्टील बर्थ वाले केसेस आजकल मिल रहे हैं। हाँ, इस तरह के केसेस, हाँ पहले के अपेक्षा अभी पहले के अपेक्षा ऐसे केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है, जहाँ पे स्टील बर्थ के केसेस या इंट्रायूटेराइन डेथ हो गया है बिना किसी नॉन एक्सपोजर एक्सपोज्ड फैक्टर्स के, या फिर जैसे 1.5 महीना 2 महीना प्रेगनेंसी अर्ली अबॉर्शन के केसेस में भी आजकल काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो
तो साइंस मानता है मेडिकल साइंस की ऑब्वियसली, ये ऑब्वियसली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। ये जो पोल्यूशन के फैक्टर होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर हैं एयर में, या फ्री रेडिकल्स हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब सांस में हम जाते हैं, माँ के सांस में, उससे ब्लड में जाते हैं, ब्लड के थ्रू बच्चे में, फीटस में जाते हैं, तो डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, अबॉर्शन, मालफॉर्मेशन के रिस्क केसेस काफ़ी बड़े हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, ऑब्वियसली हमारा प्रेजेंट जनरेशन तो अफेक्टेड हो ही रहा है, फ्यूचर जनरेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इसका कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या सॉल्यूशन आपको समझ में आता है? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो तत्काल बचाव, में तो फिर माँ को अपने हेल्थ स्टेटस पे सुधार करना होगा, जो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी, प्रॉपर मेडिसिन लें उसके लिए। बाकी लॉन्ग टर्म तो ओवरऑल इन्वायरमेंट में सुधार करने से ही आएगा, पेड़ लगाएं, जो ये इतने व्हीकल्स आ रहे हैं या लेड मिक्स पेट्रोल वगैरह आ रहा है, ये सबको सुधार के, वाटर की क्वालिटी में सुधार, एयर की क्वालिटी में सुधार, खान पान में सुधार, ये सब पे ध्यान देना होगा, काम करना होगा। धन्यवाद मैम। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ डॉक्टर रूपम कुमारी को, पर गर्भवती महिलाओं को प्रदूषण से बचने के उपाय वगैरह पर विशेष जानकारी दी। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।